दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं और 12वीं संदर्भ प्रश्न और व्याख्या लिखने का सही तरीका के विषय में बात करेंगे, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 8वीं मार्क इन क्वेश्चंस में न कटें। संदर्भ प्रश्न और व्याख्या कुल 6 अंक आते हैं और 6 अंक हमें परीक्षा में उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि यदि संदर्भ प्रश्न और व्याख्या एग्जाम में पूछा जाता है तो हम बहुत ही आसानी से कर देंगे, लेकिन जब वह उन्हीं क्वेश्चंस में इंटर मार्क कट जाते हैं तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि आखिर यहाँ हमारे मार्क कैसे कटे। तो आज हम इन्हीं छोटी छोटे गलतियों के विषय में बात करेंगे और सही तरीके के विषय में जानेंगे कि संदर्भ प्रश्न और व्याख्या किस प्रकार से लिखें, जिससे जो टीचर है ट्रॉफी चेक करने वाला वो हमें फुल मार्क देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। संदर्भ हमें इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब हमें यहाँ पर यह सावधानी रखना है कि जब भी हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, फिर हिंदी पर हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और साथ ही साथ अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन या ब्लैक स्टेज से। के अंतर्गत पद्य खंड, अब पद्य खंड पर भी हमें लगाना होगा अंडरलाइन और इन्वर्टर ट्रामा भी लगाना होगा। छः पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। पद जो है शीर्षक को दर्शा रहा है या पाठ का नाम जब भी आ जाए तो हम वहाँ पर इन्वर्टर ट्रामा लगा देते हैं। इस प्रकार लिखने पर हमें फुल मार्क मिल जाएंगे संदर्भ में और 1 मार्क हमें यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं। बहुत से लोग का यह मानना होता है कि प्रश्न में हमें किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलता है, इसलिए हमें प्रश्न लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है। प्रश्न में हमें नंबर मिलता है। अब आप सोचेंगे कि हमें कहाँ नंबर मिलता है। 1 नंबर हमें संदर्भ के लिए, 4 नंबर पर 1 नंबर संदर्भ के लिए, 4 नंबर व्याख्या के लिए और 1 नंबर ट्रावेलर संदर्भ के लिए मिलता है और टोटल 6 होता है और 6 मार्क का यह क्वेश्चन होता ही है। लेकिन हम बता दें कि प्रश्न में आपको नंबर मिलता है और जब पद्यांश दिया जाता है तो व्याख्या जो होता है बड़ा होता है, लेकिन प्रश्न जो होता है वो छोटा होता है। यदि हम प्रश्न सही लिख देते हैं एकदम, जो इसका मोटा मोटा भाग होता है पद्यांश का, उसे हम समझा देते हैं कि इस पद्यांश में यह बताया गया है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसे इस पद्यांश के बारे में पता है और वह व्याख्या थोड़ा बहुत पढ़कर व्याख्या में पूरे 4 नंबर दे देता है। यदि हम प्रश्न ही नहीं लिखेंगे तो हमारे व्याख्या में फुल 4 नंबर नहीं मिलेंगे। आप चाहे जहाँ भी ट्राई करके देख लीजिए, ये एकदम सही बात है। यह बहुत कमी लोगों को पता होता है, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। प्रश्न आपको जरूर लिखना है और प्रश्न के लिए भी आपको अच्छी तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल में हमें जब भी इसका अर्थ बताया जाता है तो प्रश्न अर्थ में से ही कुछ भाग छाट कर हमें प्रश्न लिखना होता है और ये प्रश्न लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे। पहली पंक्ति है चरण कमल बंधव हरिराई। तो इस सूरदास श्री कृष्ण के चरण कमलों की वर्णना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। यह पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। उसके बाद जाति कृपापन रुझिलंज है। जाति मतलब इनकी कृपा हो जाने से पन रुमाने होता है, लंडा व्यक्ति भी पर्वतों को पार कर लेता है या लांड लेता है। अंधे तो सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति तो सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने रून पुन बोले रंज चले सिर छत धराई। और यदि सीटी की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, ढूंढा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है और रंट जो होता है, रंट आदमी या भिखारी जो होता है, वो सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती ही पाई। तो सूरदास जी कहते थे ऐसे करुणा में स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यही इस पद्यांश का छोटा सा व्याख्या हो जाता है और यदि हम प्रश्न के साथ यह व्याख्या लिख देते हैं तो हमें 4 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि व्याख्या और प्रश्न पूरा भी जितना चीज़ हम लिख रहे हैं उसमें राइटिंग हमारी बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यदि एग्जामिनर को हमारी राइटिंग समझ आ रही तो हमें फुल नंबर दे देता है। अब हम देखेंगे कि हमें ट्रावेलर सौंदर्य किस प्रकार लिखना है एग्जाम में। बहुत से छात्र होते हैं जिन्हें ट्रावेलर सौंदर्य लिखने में बहुत ही परेशानी होती है और वे इधर उधर वीडियो सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर, लेकिन उन्हें कोई भी परफेक्ट उपाय नहीं मिलता कि वो ट्रावेलर सौंदर्य किस प्रकार लिखें।
लेकिन आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ट्रावलर सौंदर लिखने में भी आपको ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आप तो ध्यान देने की बातें हैं। भाषा, सबसे पहले हमें भाषा लिखना होता है, तो भाषा अपने पहले जो राइटर हैं सिलेबस में उनकी भाषा चेक कर लीजिए। सूरदास जी ब्रजभाषा के कवि थे, इसलिए ये भी जो पद्यांश है वो ब्रजभाषा में है और यही हम ब्रजभाषा लिख देंगे। दूसरा है शैली, शैली लिखेंगे मुत्तर। अधिकतर जो हमारी सिलेबस में पद्यांश हैं वे मुत्तर शैली की हैं। यदि एक चांस आप ये भी ले सकते हैं कि यदि आपको शैली नहीं पता है और आप लिखना चाह रहे हैं शैली, तो शैली आप मुत्तर लिख सकते हैं, जिससे अधिकतर चांस हो जाते थे आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा है छंद, तो छंद हमें ट्रे पर लिखना है, इसमें ये पद्यांश ट्रे पर था है। चौथा है रस, श्रृंगार रस इसमें है। पांचवा गुड़ है और गुड़ प्रसाद है। अलंकार तो आप पहचानना जानते ही उनके, आप इस सिलेबस में जो अलंकार है उन्हें तैयार कर लीजिए। अलंकार आपको पूरे छंद मिल जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो एंड करते हैं और अपने दोस्तों साथ यह वीडियो शेयर कर दीजिए।